हेलो वेलकम टू द पवेलियन, मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9। और खबर कुछ इस तरीके से है कि अब से कुछ देर पहले मुल्तान में मुल्तान वर्सेस पिशावर जलमी का मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा और क्या शानदार मैच था, मजा आया होगा यकीनन आप सबको देखते हुए। इससे पहले के मैच के बारे में हम लोग बात करें, लेट मी ब्रिंग इनटू द कन्वर्सेशन थ्री ऑफ माय पैनलिस्ट। आई हैव गॉट थ्री फैंटास्टिक क्रिकेटिंग माइंड्स, क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद मी इन द पवेलियन। फर्स्ट अप आई हैव गॉट Azhar Ali. Azhar, welcome. Thank you. Next up, I've got the professor himself, Mohammed Hafeez. Hafeez, welcome. Thank you. And finally, Mr. Dependable himself, Captain Misbah Ul-Haq. Misbah, welcome. Good evening. Thank you. Right, जनाब, इससे पहले कि कहानी को आगे लेकर चलें, आइए जरा नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर कि सूरत हाल क्या थी। ये है मैच समरी आज की। दोस्तों यू था कि पिशावर जलमी ने आज टॉस जीता बाबर आजम ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, एंड पहले बैटिंग करते हुए 179 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। इंटरेस्टिंगली अगर आप गौर से देखें तो किसी भी पिशावर जलमी के बल्लेबाज ने 40 से ऊपर का स्कोर नहीं किया, उसके बावजूद 179 फॉर 8 उन्होंने हासिल किया। हसीबुल्ला का एक बड़ा जबरदस्त इंपैक्टफुल 37th of 19 deliveries. Babar Azam tried to play an anchor role but eventually got dismissed to Usama Mir. Powell there with a powerful innings, 23 of 11 deliveries, and Harris then contributing at the bottom with a 19 of 19. Bowling mein Mohammad Ali ki shandar bowling ka display jari hai. Multan Sultan ki taraf se aaj 4 overon mein 23 run deke 2 wickets unhone hasil ki. Usama Mir ne 4 overon mein 36 run deke 2 wickets hasil ki. Willy ne 2 wickets hasil ki 28 runs pe, aur Dhani ne 1 wicket hasil ki 3 overon mein 26 देकर। जवाब में मुल्तान सुल्तान 174 रन ही बना सके अपने 20 ओवर्स के अंदर, लेकिन डेविड मिलान ने एक शानदार निस सेंचुरी गाड़ी है आज, वन ऑफ द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरीज इन पीएसएल हिस्ट्री। जी हां, दैट इज नाउ व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन, 52 ऑफ 25 बॉल्स इज द फास्टेस्ट 50 इन पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री। या दैट्स रियली रियली समथिंग स्पेशल। यासिर ने 43 रन किए ऑफ 37, हेंड्रिक्स 28 ऑफ 27, इफ्तिखार ने एक उम्मीद की किरण जागी थी बिल्कुल एंड में मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन ही कुडंट फिनिश इट अप फॉर देम टुडे। याकूब ने 3 विकेट हासिल की, 43 रन इन 4 ओवर्स, लिल एक्सपेंसिव बट पिक अप 3 विकेट्स, बट दैट फिगर नेक्स्ट अप ऑफ वुड, दैट्स द स्पेशल फिगर देयर, दैट्स द बिग इम्पैक्ट ऑन द बोलिंग साइड फॉर पेशावर जलमी। वुड ने 2 विकेटें हासिल की 13 रन देकर 4 ओवर्स के अंदर। इरशाद 239 इन 4 एंड नवीन उल हक 244 इन 4, एंड विद दैट पेशावर जलमी ने अपनी लूजिंग स्ट्रीक जो है 6 लगातार मैच हारने के बाद, पिछले पीएसएल के आखिरी और फिर इस पीएसएल के शुरू के मैचेस आने के बाद ये छठा मैच है जिसमें उनको फाइनली विक्ट्री हासिल हुई है। सो कंग्रेचुलेशंस टू द येलो स्टॉर्म, पेशावर जलमी, गुड जॉब, वेल डन टू कैप्टन बाबर आजम, डैरन सैमी एंड एवरीबॉडी इन दैट कैंप। और जनाब इसके साथ ही जरा नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर कि पॉइंट्स टेबल अब क्या कह रहे हैं इस मैच के बाद, सूरत हाल किस तरीके से तब्दील हुई है, और खास तब्दीली नहीं आई है। पेशावर जलमी स्टिल रिमेन at the bottom half of the table, but okay, they've gone a little up down with 3 games, 1 win, 2 losses. They're sitting there with 2 points at number 5. Lahore Qalandars remain at the bottom of the table. Remember ki ye log jo hain, Lahore Qalandars are the defending champions. Up top, Multan Sultans now 4 games, 3 wins, 1 loss, 6 points. Quetta Gladiators 3 games, 3 wins, 6 points. Islamabad United 3 games, 1 win, 2 losses and 2 points. Karachi Kings 2 games, 1 win, 1 loss and 2 points. So that's how the point table is. Top ki 4 teams jo hai playoffs ke liye aage jayengi, but congratulations to Peshawar Zalbi once again. So that's how it has gone down. Misbah, your initial thoughts on this situation. Bada interesting match tha, samajh nahi aa rahi thi ki kaun si team zyada koshish kar rahi hai ki match unke haath se nikal jaye. Through and through yu hi chal raha tha kuch. बिल्कुल, जिस वजह से मुल्तान ने पहले मैचेस जीते, क्लिनिकल परफॉर्मेंस के लिए मेरे ख्याल में मशहूर है मुल्तान, द वे दे प्लेड द फर्स्ट 3 गेम्स, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, और आज शुरू से ही लेंथ्स जो हैं वो थोड़ा सा मिस किए हैं उन्होंने। इवन मोहम्मद अली का पहला ओवर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हुए, उसके बाद जो भी बॉलर आया बास ने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, इजी बाउंड्री बॉल्स, कहीं ना कहीं टैक्टिक्स में भी मुझे लगता है कि जैसे शुएब मलिक ने पहला ओवर किया सक्सेसफुल अगेंस्ट सैम अयूब और बाबर के, बड़ा एक ऐसा स्टैट था, मैचअप था जो यूज़ नहीं किया अर्ली ऑन, काफ़ी चीज़ें जो टैक्टिक्स थे थोड़ा सा वो स्ट्रेंज लगे इनके, और ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस, फील्डिंग, हर जगह पर मुझे लगता है कि 15 से 20 रन
नहीं बनने चाहिए थे एक्स्ट्रा 160, अराउंड 160 होना चाहिए था। ठीक है, पेशावर जालमी ने भी गलतियां की, बट मुझे लगता है कि गलतियां मुल्तान की तरफ से ज़्यादा थी। दोनों तरफ से फील्डिंग जो है वो लैप्सेस हुए, बट आई थिंक आज पेशावर जालमी बेहतर खेली है और बेहतर खेलने की वजह से वो जीती है। क्लियरली सही कह रहे हैं आप, दोनों तरफ से लैप्सेस हुए और फील्डिंग है तो लैप्सेस हफीज़ का वैसे ही ये फेवरेट लीग है फील्डिंग के हवाले से, हफीज़ हैज़ मेड इट वेरी वेरी क्लियर। से अच्छी बात ये है कि एक मैच ज़बरदस्त हुआ, जैसे भी था गलतियां की जो भी, बिल्कुल मैच ओवरऑल एंड गुड थिंग कि पेशावर भी आ गई है वापस जी अब इसमें। देयर इन द रन नाउ। साहिब अयूब की बात कर लेते हैं, उन्होंने पिछले मैच में जिस तरह अभी बिस्वा कह रहे थे कि पहली ही बॉल पर वो आउट हो गए थे शोएब मलिक के हाथों, लेकिन आज भी कोई खास इंपैक्ट नहीं कर सके। आई मीन ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट पोटेंशियल, वी नो दैट ही इज एन इंपैक्टफुल प्लेयर, बट टुडे अगेन इट सीम्ड लाइक ही वाज यू नो नॉट विद इट। आई मीन चूंकि आपने देखा जिस तरह उन्होंने एक ओवर खेला काफी उनको मुश्किल हो रही थी, वाज इट द पिच वाज टू डिफिकल्ट और वाज इट द बॉलिंग वाज जस्ट टू ग्रेट? देखिए ओवरऑल तो पहले मैं अगर मैं मैच को थोड़ा लाइट से सम अप करूं तो पेशावर जालमी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम की चेंजेस की, राइट जो उनकी कमी नज़र आ रही थी कि उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक नज़र आ रही थी, उन्होंने उसको किसी तरीके से कोशिश की। आरिफ याकूम ने जिस तरह विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर 3 आउट किए, ठीक है उनसे कुछ बॉल गलत भी हुए, लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक बंदा पहला मैच खेल रहा है बट ही ब्रॉट दैट इम्पैक्ट इन टू द गेम। लुकवुड की बॉलिंग बहुत शानदार थी, और दूसरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ बुरी फील्डिंग को। किसकी? देखिए अभी तक यही मंत्रा है मुल्तान में जीतने का, कल 4 कैच छोड़े मुल्तान ने वो जीत गई, आज इन्होंने 2 कैच छोड़े ये जीत गई, तो ये एक ऐसी चीज है जो अभी तक तो समझ में नहीं आ रही। और ज्यादा अफसोस इस पे है कि मोस्टली बैड फील्डिंग के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर इन्वॉल्व है। अभी अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ, जो आपने मुझसे बात की है साइन के हवाले से, मुझे लगा कि आज उन्होंने टाइम लिया, जो एक अच्छी बेहतर चीज मुझे नजर आई, वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम। लेकिन एक सम टाइम आपका जो फेवरेट शॉट होता है वो आपकी वीकनेस भी बनता है, ये उनका फेवरेट शॉट है जिस पे वो आउट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ एक शॉट की वजह से ये मुख्तलिफ अपनी ऑप्शंस को जो है वो अच्छा नहीं खेल पा रहे, इस शॉट पे भी आउट हो रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस शॉट को लास्ट जो इन्होंने इंटरनेशनल सीरीज़ खेली वहाँ पर भी न्यूजीलैंड की टीम ने इनको यहीं पर पहले मैच के बाद जो है वर्कआउट करके आउट किया, और अभी यहाँ पर भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये शॉट ना खेलें, लेकिन थोड़ा सा दूसरी जो अपनी रेंज ऑफ शॉट है उसकी तरफ भी ध्यान दें। ही इज़ अ गुड पोटेंशियल, ही नीड्स टू प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ये है कि जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ये बेस्ट मौका है कि उसको मैक्सिमाइज़ करते रहें। और इस शॉट्स में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा पेस जितना ज़्यादा हो उतना आपको एडवांटेज होता है, ये पेस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, और जहाँ जब पेस थोड़ी कम होती है उस तरीके से फिर बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाता, तो आई थिंक ये लोग इसकी फील्ड प्लेसमेंट भी आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए कि न्यूजीलैंड ने बड़ी ज़बरदस्त बिल्कुल ऐसे जहाँ पे गैप में इनका शॉट लगता है ये उस वहाँ पे प्लेस किया हुआ फील्डर के, अगर ये छक्का ना हो तो फिर ये कैच आउट हो जाए, तो आई थिंक ये प्लानिंग अब करना शुरू हो गए तो इस प्लेयर एज ए प्लेयर आपको इवॉल्व करना पड़ता है और आपको भी टैक्टिक्स में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। बाबर आजम ने एक और दफ़ा जो है वो एक यू नो एंकर रोल शुरू में किया, एंड देन हसीबुल्ला जॉइंड हिम एंड देन रियली यू नो वेंट आफ्टर द बॉलिंग, सो वेरी गुड पार्टनरशिप बिटवीन द टू बाबर एंड हसीब। कोई शक नहीं, मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी वो हसीबुल्ला की थी, क्योंकि वो उनको इस सीज़न का पहला मैच मिला, नंबर 3 पे उनको प्रमोट किया गया, क्योंकि लास्ट सीज़न उन्होंने जालमी की तरफ से 5 और 6 पे खेले थे, मिडिल ऑर्डर पे खेले थे। इस सीरीज़ इस सीज़न में जब वो आए तो जिस तरह की उन्होंने क्लैरिटी के साथ अपने शॉट्स खेले वो बहुत अच्छा लगा, अपने जो भी उनके दिमाग में आया उन्होंने उसको अप्लाई किया। बिल्कुल एंड दिस इज़ हाउ यू प्ले इन T20 क्रिकेट, अगर आपका दिन है तो आप उसमें अपनी जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर रखें, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हिम। एक यंगस्टर है, एक अच्छी इनिंग्स खेली, बाबर ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बाबर अगर वहाँ पे वी ऑल वांटेड हिम टू स्कोर मोर रन ऑलवेज, क्योंकि हमें आदत बन पड़ गई है कि बाबर जब भी खेलें लंबा स्कोर करें, लेकिन आई थिंक शॉट वॉज ऑन, मे बी ही कुडंट एग्जीक्यूट इट वेल। मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं, मोहम्मद हारिस के बारे में बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी बात होती है कि जी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए, इनका बड़ा यू नो चांसेस बनते हैं, इनको खेलने चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज यू नो मोहम्मद हारिस हैड एन अपॉर्चुनिटी मिस, ही कुड हैव रियली गॉन आउट देयर बिल्ट अ बिग इनिंग्स एंड गिवन अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस फॉर हिज टीम। बिल्कुल टाइम भी मिला, बॉलें भी खेली, लेकिन फिर वही चीज़ है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो डिज़ाइन किया हुआ है, प्रैक्टिस किया और उन्हें अकॉर्डिंग टू द पावर प्ले, फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको जो 2 फील्डर्स हैं उसके मुताबिक
जब वो फील्ड खुलती है तो उस तरीके से आप उतने इफेक्टिव नहीं होते, उसके लिए जाहिर है आपको ज़्यादा मैचेस की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। टोटली डिफरेंट, सातवें ओवर से ले के बीसवें ओवर तक, स्पेशली पंद्रहवें ओवर तक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है गेम का, डिफरेंट शॉट्स हैं, डिफरेंट गैप्स हैं, आपको बिल्कुल डिफरेंट गेम खेलनी पड़ती है। अभी वो खेलने के लिए इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं वहाँ पे, वही आज भी नज़र आया कि वो रन अ बॉल थे और फिर जब अटैक करने गए तो वहाँ पे मुश्किल हुई, आउट हुए, तो टाइम लगेगा इस रोल के लिए। जी मेरे जहाँ तक ख्याल है कि अगर आपने इसको खिलाना है तो फिर आप ऐसे इसको एज ए ओपनर खिलाएं, बाबर को नीचे आना पड़ेगा फिर, वरना आई थिंक इस वक्त यूटिलाइज नहीं कर पा रहे आप उसके पोटेंशियल का, बल्कि आप उस पर प्रेशर डालेंगे। उस वो ऐसा हिटर नहीं है कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ हर दफ़ा स्पिनर को क्लियर करेगा, तो आई थिंक उसको चाहिए दायरे में बैटिंग करना। और अगर नहीं तो आई थिंक हसीबुल्ला इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर नंबर 3-4 पर खेलना है। अगर तो पहले बारी आ जाती है इसी पहले ओवर में कोई आउट हो जाता है दैट इज़ फाइन, बट अगर नहीं आउट होता है 4-5 ओवर ले जाता तो फिर देन इसका रोल उतना नहीं रहता। तो हसीबुल्ला ने दिखाया कि स्पिनर को भी प्रोएक्टिव खेल सकते हैं, फास्ट बॉलर को भी शॉट्स लगा सकते हैं, रिवर्स स्वीप है उनके पास, लॉन्ग स्वीप है, सो ही हैज़ मोर ऑप्शन। और मुझे लगता है कि आज शायद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि अयूब पहले आउट हुए हैं तो हसीब आया, मुझे लगता है कि अगर राइट हैंडर आउट होता तो फिर शायद ये आते, क्योंकि आज इन्होंने वर्कआउट किया थोड़ा सा इस चीज़ को और उसका फ़ायदा भी हुआ है जलमी को लेफ्ट राइट का, जिस तरह हसीबुल्ला ने आके उनके मेन बॉलर्स पर अटैक किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट था ये डेंजरस हो सकता था इफ्तिखार को अगर वो सेटल डाउन होने देते, उन्होंने पहले ओवर में इफ्तिखार पर अटैक किया, 17 रन दिए और वो दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट भी गेम है। 17 रन एक ऐसी जगह पे आप ले लेते हैं और एंड पे आके देखें वो कितने क्रूशियल स्कोर था। ऑल्सो देखिए मिलान भी तो नीचे आए, बिल्कुल आए फॉर टैक्टिक्स बट एवर रीजन, आई थिंक एज ए कैप्टन यू हैव टू लीड फ्रॉम द टर्म, होता है कि समटाइम आप ऊपर जाते हैं बैटिंग ऑर्डर फिर, लेकिन कम्बिनेशन के लिए आपको नीचे भी आना पड़ता है समटाइम, राइट। तो आई थिंक समटाइम आपको करना चाहिए और आई थिंक बाबर को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कोई प्लेयर ऊपर लेकिन अगर देखिए अनलेस क्या उनके पास कोई इसको रिप्लेस करने लेकिन का प्लेयर होगा, ये नहीं होगा। अगर बाबर भी तो इसी तरह ही गेम खेलते हैं, उनको भी अगर सर्कल लगा हो तो फिर उनके लिए भी वो शॉट्स जो हैं वो जो बाबर है ना बाबर पिछले 6-7 साल से वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट। और उनकी जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है वो बहुत बेहतर है, स्पिनर को रोटेट करने की जो उनकी एबिलिटी है, मिड ऑफ मिड ऑन पे बड़ी अच्छी शॉट मारते हैं, तो आई थिंक बट अजहर इज सेइंग कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस टीम, क्योंकि हारिस का बेस्ट यूटिलाइजेशन ओपनर ही हो सकता है। इनके पिछले जो इंटरनेशनल कैरियर में जब जब ये मिडिल ऑर्डर में खेले हैं ही कुडंट परफॉर्म वेल, राइट। इनका जितना भी इंपैक्टफुल जो इनिंग्स हो सकती है वो सर्कल में इसलिए ये होती है कि दो फील्डर बाहर होते हैं, नया बॉल होता है, पावर प्ले की एक इनकी शॉर्ट रेंज परफेक्ट हुई हुई है, लेकिन जो निचले कल भी आपने शायद मेरे से सवाल किया था कि मिडिल ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में क्या फर्क है, तो ये फर्क हमें इनकी गेम में नजर आ रहा है कि जब जब ये नीचे आ रहे हैं ही इज नॉट मैनेजिंग हिमसेल्फ वेल टैक्टिकली, जो मिडिल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है ये इनके पास शायद अभी उनकी ही इज़ नॉट वेल इक्विप्ड फॉर दैट एबिलिटी। तो मुझे ये लगता है कि इनकी अगर ये किया जाए टैक्टिक्स, जैसे आज कुछ टैक्टिक्स जलमी ने चेंज किए हैं, बाबर अगर 3 पे आ जाते हैं तो अगर हारिस ओपनर चले जाएं साइम के साथ तो इनका परफेक्ट जो है कंपोजिशन वो सेट होते हैं। ऑलराइट विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक हियर बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर ऑन द अदर साइड, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं हूं फखरान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9। अब से कुछ देर पहले मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर जलमी का मैच अपने खत्म को पहुंचा, जो पेशावर जलमी ने जीत लिया है, तो कांग्रेचुलेशंस टू पेशावर जलमी। विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट 3 फैंटास्टिक माइंड्स ऑफ क्रिकेट, 3 फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, 3 पीपल हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान रियली वेल। आई हैव गॉट अजहर अली, आई हैव गॉट Muhammad Hafeez and Misbah-ul Haq. And Waseem Akram is traveling currently. He's away. He's gone off to Canada. He should be joining us back in a few days. And we miss him for the time being. Hum log janab break mein jaane se pehle baat kar rahe the Peshawar Zalmi ki batting ke hawale se. And you know that combinations ko jo hai dekha ja sakta hai. Babar aap keh rahe the ki you know can bring himself down the order and then maybe put Mohammad Haris on top. But let's talk about the Multan Sultans bowling today. For them, of course, and you keep saying great things about Mohammad Ali, Misbah. Again, Mohammad Ali was the star bowler for them even today. Bilkul, I think he bowled very well. First over, I understand, thoda sa shayad length short thi unki. Quality batsman the samne. Ek do boundaries lagi, but jaise hi unhone
उसके बाद बॉलिंग करने आए, उन्होंने वो फौरन अपने आप को एडजस्ट किया और आई थिंक कि बाकी जो तीन ओवर किए वो बड़े ज़बरदस्त ओवर थे। और एक तरफ से जो रोका है वो मोहम्मद अली ने या डेविड विली ने ही रोका है, उन जिस तरह की बॉलिंग की है। दूसरी तरफ से मुझे लगता है क्योंकि इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी जी। सबसे जो अच्छी चीज़ जो मज़ा आ रहा है वो ये है जो हम बात कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी, गेम आफ्टर गेम वही कंसिस्टेंसी है, वही लेंथ है, उसको जो एक रेपुटेशन बन रही है उनकी, उसके मुताबिक वो अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। यही मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स जितने भी हैं भाई, एक गेम नहीं है, आप जो करते हैं उस प्रोसेस को बार बार करें तभी आप अपना नाम बनाएंगे, वरना किसी एक आधे मैच में तो तुक्के से अच्छी बॉलिंग हो सकती है। करेक्ट, वो टीम को उतना फ़ायदा नहीं देती। आपने ये भी बताया कि बड़े डिसिप्लिन के साथ अपना जिंदगी गुजारते हैं, इज़ वेरी गुड इन द नेट्स, ही गिव्स हिज टाइम टू द नेट्स, देन ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर जिम एंड ऑलवेज रेडी फॉर मोर वर्क, वर्कलोड पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप जब अपनी डिसिप्लिन, हमेशा हम बात करते हैं कि हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है कि बॉलिंग कब मैंने करनी है, मैंने अपने आप को पूरा रिकवर करना है, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉलिंग के बाद जिम में जाके जिसको कहते हैं ना रिपेयर वर्क, राइट, ये नहीं कि मैंने आज बॉलिंग कर ली है तो अब बस मैंने कुछ नहीं करना, नहीं, आपने जो वो मसल आपके यूज़ हुए हैं, मैंने ऑस्ट्रेलियंस को भी देखा, वो जाके फिर वो रिपेयर करते हैं उसको। ये जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, इफ़ यू गाइस कैन हेल्प आवर यंग पीपल जो कि देख रहे हैं इस वक्त, उनको टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय रिपेयर वर्क इन द जिम। सो बॉलिंग के लिए अगर उन्होंने फर्ज करें शोल्डर, बाजू, बैक इस्तेमाल हुई है तो व्हाट वुड बी द रिपेयर वर्क फॉर दैट? उसके लिए जाके आप एक सर्टन लोड डालते हैं उन मसल्स पे, इलेक्ट्रिक एसिड इकट्ठा हुआ होता है तो वो एक फटीग होती है, एक सोरनेस होती है बॉडी की, राइट, जब वो जाके करते हैं तो एक तो वो रिलीज होता है और उससे आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है और बिल्कुल जैसे रिलैक्स हो जाती है और वो टाइटनेस सोरनेस ख़त्म हो जाती है, और दूसरा आप स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, हम क्या करते हैं, हम थके हुए होते हैं तो हम समझते हैं कि बस ये थकावट अब रेस्ट करेंगे तो फिर ही ठीक होगी, नहीं, उसको आपने रिकवर करना है, उससे निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो वो फौरन ठीक हो जाएगी। पुराने वक्तों में क्या होता था कि बॉलर्स जैसे वसीम भाई, वकार, ये सारे उस वक्त क्या करते थे, जब पूरा दिन ख़त्म हुआ है इन्होंने दो या तीन राउंड लगाने हैं, अपने आप को स्वेट करना है और फिर स्ट्रेच करना है ताकि वो जो लैक्टिक एसिड है उसको बॉडी से निकाले और बॉडी आपकी स्ट्रेच करने के बाद रिलैक्स हो जाए। ऑलराइट, आज जो है मैच के दौरान एरन ने इंटरव्यू किया मुल्तान सुल्तान्स की जो स्पिन बॉलिंग कोच है, असिस्टेंट स्पिन बॉलिंग कोच जो है, उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि जी उसामा मीर पे हमने बड़ा काम किया, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी हमने उनको जो है फिक्स किया, ये किया। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब किसी और कोच ने कभी नहीं देखा कि उसामा मीर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्हीं को नज़र आई हैं और वही फिक्स कर रही हैं, व्हाट इज़, आई एम कंसर्न्ड एंड अ लिटिल कंफ्यूज्ड। नहीं नहीं, कंफ्यूज्ड बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है और सम टाइम आपको किसी की भी बात समझ आ सकती है, राइट, एज ए कोच बहुत से लोग आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं लेकिन किसी की अगर बात समझ आई है, गुड थिंग इज़ दैट ही इज़ बॉलिंग वेल, ही इज़ बॉलिंग, या ही इज़ बॉलिंग। मैंने जो बात की थी इससे पहले, दो माह पहले सईद अजमल इनके साथ काम किया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमारा कैंप स्टार्ट हुआ सईद अजमल इनको इनके इश्यूज आइडेंटिफाई करके विद द हेल्प ऑफ द एनालिस्ट और इनकी बॉलिंग की वीडियोस दिखा के इनको एक रिपीटेबल एक्शन को बेहतर करने के लिए जो ड्रिल्स थी वो बताई गई, इन्होंने काम किया, फिर ये बिग बैश में गए वहाँ पर काम किया, फिर ये पाकिस्तान को जब इन्होंने न्यूजीलैंड में ज्वाइन किया वहाँ पर काम किया, प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। देखें एक स्किल वो है जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर खेलने का प्रेशर हो रहा है और जब आप खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जब आप अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो जो स्टेक हैं पाकिस्तान खेलने के वो बहुत बड़े हैं, बिल्कुल उसकी वजह से वो जो प्रेशर हैंडल करने की जो एबिलिटी है मुझे लगता है वो इनहेंस होने वाली है। उसामा वाज ऑलवेज अ गुड बॉलर, पिछले दो साल में मुझे लगता है कि लेग स्पिनर की जो हाइट की जो मिसबा ने बात की उसका जो वेल जो इनको एडवांटेज मिलता है वो ऑलवेज देयर है, लेकिन इनका राइट एरिया जब जब हिट होता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो अगर वो असिस्टेंट कोच ऑफ मुल्तान सुल्तान अगर उनके कहने पे ये बेहतर हो रहा है तो वी आर वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इनके लिए कुछ चीज़ बेहतर काम कर रही है और ये एक बेहतर परफॉर्मर के तौर पर सामने आ रहे हैं।
अरे जनाब ये तो हो गया जनाब, मुल्तान सुल्तान्स का हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, पेशावर जुल्मी की बैटिंग, अब मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो यासर खान की बात करते हैं, डू यू थिंक इट वाज अ वेरी कन्विंसिंग नॉक फ्रॉम यासर खान टुडे? आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल गए वो बाकी बैट्समैनों पर। आई नो यंगस्टर हैं, आज उनको ओपन इसीलिए कराई होगी क्योंकि मिलान को उन्होंने नीचे मिडल ओवर्स में यूज़ करना था, और पहले जो लास्ट दो मैचेस हैं उसमें मिलान जो हैं वो बहुत जल्दी आउट हुए हुए थे। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ टैक्टिक्स इन टर्म्स ऑफ यूजिंग हिम अगेंस्ट लेग स्पिनर इन द मिडल, यू नो, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन रखने के लिए। लेकिन यासिर आगे ऐसा नहीं लगा कि वो T20 की इनिंग खेल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट लाइक के फीट मूवमेंट भी इतनी कोई खास नहीं थी, और बस अगर जितने चौके आप देखें उन्होंने मारे हैं वो ज़्यादातर बैड डिलीवरीज बॉलर ने उनको एरिया में दी। अगर उनको आगे बॉल करते रहे उन्होंने एक भी मिड ऑफ के ऊपर से या एक कवर के ऊपर से कोई ऐसा शॉट नहीं मारा मारा। अगर सारी बाउंड्रीज उनकी देखें तो यू कैन सी कि यार फीड की गई है उनके एरिया में, जहाँ पे वो खड़े खड़े खेल रहे थे और उनको पोलर कट खिलाई उसी पे ही इनके ज़्यादातर चौके हैं। तो आई थिंक उसके बावजूद इतनी बाउंड्रीज मारने के बावजूद जो है उन्होंने 43 किए 37 रन पर, जो कि आई थिंक वो भी इनका एक फुटवर्क वाली स्लाइड भी है, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आने अजहर मिसबा, यू कैन कमेंट ऑन दिस एज वेल, ये जरा देख लीजिए इनकी, ये जरा देखें बिल्कुल आगे वाली जितनी गेंदें जी बिल्कुल, हम देख रहे थे कि जो इनका अगर आप पाँव की तरफ देखें ना, इनका पाँव बिल्कुल बस वहीं है, चाहे बैकफुट का बॉल है पिछला पाँव भी नहीं हिल रहा और आगे बॉल है तो अगला पाँव भी आगे नहीं जा रहा। ये देखिए बस बिल्कुल कहीं पे भी किसी भी उस पर नहीं देखेंगे कि इनका पाँव बॉल की तरफ गया हो। राइट, आई थिंक इन दैट केस अगर आपको अच्छी लाइन पे बॉल होते रहेंगे तो बस इनकी कोशिश यही थी कि मुझे शॉर्ट पिच करें और मैं मेरे हाथ चलें उसी पे इनको रन मिलने थे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी बात की है अजहर ने, आपने देखा कि बैकफुट का बॉल भी है तो आप इन द प्रोसेस जो बॉल ऑलमोस्ट लैंड होने वाला है उस टाइम पे आपका बैक फुट मूव होने की बजाय आपका फ्रंट फुट अभी आगे जा रहा है। राइट, इट मींस कि जितनी देर में वो फ्रंट फुट सेटल डाउन होगा लैंड करेगा बॉल आपके पास होगा यू हैव टू प्ले इट। राइट, या तो वो पहले हो जैसे बाबर करता है एंड देन यू कैन रिलीज योर बैक फुट और बैक फुट पे आके शॉट खेल सकते हैं, और अगर आपने आगे जाना है तो फिर वो उस बॉल की लेंथ के मुताबिक ऐसी जगह पर जाएँ कि जहाँ बॉल के करीब पहुँचे फ्रंट फुट पे आप शॉट खेल सकें। तो इम्प्रूव करना चाहिए उनको, और थोड़ा सा जो मैं प्रीवियसली इनको जानता हूँ इंटेंट से खेलते हैं, आके अटैक करते हैं, मे बी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी थोड़ा सा वो देखना चाह रहे थे, वरना एग्रेसिवली खेलते हैं और अटैक करते हैं। जलमी से भी एक आधा मैच जो खेले थे वो सूट यही करेगा मुल्तान को कि अगर ये ओपनिंग के रोल पर खेलते हैं तो ये दूसरे बैट्समैनों का प्रेशर ऑफ करें, फर्स्ट सिक्स ओवर्स को यूटिलाइज करें। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि तीसरा सीजन है इनको देख रहा हूं। जी, और स्टिल ही इज इमर्जिंग। राइट, तो इमर्जिंग कर रहे हैं, आज थोड़े से इमर्ज हो गए, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया इमर्जिंग की कैटेगरी को कहीं ना कहीं सेटल होने की जरूरत है। आई थिंक किसी yes. प्लेयर को आप लाइक पहले उन्होंने जलमी से खेला, पिछले साल क्वेटा में थे, इस मरतबा मुल्तान में आ गए और अभी भी वो जो है इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर पिक हैं, और right. ना मुझे ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। See, मुझे लगता है कि सेटल होने वाली है। या आई थिंक सो, आई थिंक देयर शुड बी सम थॉट इनटू दैट होल थिंग। आ जाते हैं जनाब मोहम्मद रिजवान के डिसमिसल के ऊपर। मोहम्मद रिजवान का डिसमिसल, फीन्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट डाउन देयर इन दैट? आई थिंक बॉल वॉज देयर टू हिट, इट वॉज जस्ट वन ऑफ द वे टू गेट आउट। और आज जो अच्छी चीज़ मुल्तान के लिए जिसको वो पॉजिटिव ले सकते हैं ये है कि वो अपने वॉरियर ऑफ द गेम, जो मोस्टली उनके लिए वॉरियर साबित होते हैं रिजवान, वो आज कोई रन नहीं कर सके, उसके बावजूद दे वर वेरी क्लोज टू विन द गेम, दे वर चेजिंग अ बिग टोटल विच वॉज बेसिकली ओवर पार रन इन मुल्तान। वहाँ पे जिस तरीके से मैनेज किया गया बाद के बैट्समैनों ने वो एक पॉजिटिव साइन था मुल्तान के लिए, लेकिन द बॉल वॉज देयर आई बिलीव, बट इट वॉज अ वाइड बॉल अनफॉर्चुनेटली, ये है, लेकिन बॉल वॉज देयर, आई थिंक दिस टाइम ही वॉज बेटर इन पोजिशन टू प्ले दिस बॉल। तो नॉर्मली इनके सिर्फ हाथ जाते हैं, टांग नहीं जाती, इस मतलब टांग और बैट साइड इकट्ठा गया इसलिए एज लग गया। Sometimes it happens. मुझे लगता है कि बॉल जो वो एक्सपेक्टेशन थी उनकी उतना बाउंस नहीं हुआ और वो नीचे से एज लगा बल्ले का, तो समटाइम इट हैपेंस। हर रोज तो आप रन नहीं कर सकते। मुझे ये पता नहीं पूरा टूर्नामेंट
खेल सकेंगे कि नहीं, क्योंकि आज डाइव भी मारी उन्होंने कीपिंग में, तो फिर बड़ा उनको तकलीफ हो रही थी। तो ये एक्चुअली इसके ऊपर जो है ना बड़ा एक वो है, क्योंकि इनका इतना एक बहुत मशहूर इंटरव्यू है जिसमें इनसे पूछा गया कि आप एक्टिंग करते हैं, आप लोगों को याद होगा वो कि आप एक्टिंग करते हैं, उनका 50-50 कभी एक्टिंग होता है कभी असली होता है। क्रैम्प ऐसे नहीं था, इन्होंने जवाब ये दिया था कि क्रैम्प कैसे हैं ये है वो, आप बड़ा ये रिकवर किया। तो इस मतलब उससे बहुत सारा लोगों के अभी तक हम जो है लेकिन कुछ देखते हैं पता नहीं कौन सा असली वाला और कौन सा नहीं है। लेकिन जब ये क्रैम्प्स पड़ते हैं मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। उसमें श्रीलंका के खिलाफ क्रैम्प्स पड़े थे, 100 किया, मैन ऑफ द मैच बने, हाईएस्ट रन चेस था पाकिस्तान का। कल भी इनको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़े, मैन ऑफ द मैच बने, मैच जीत लिया। तो ये शायद क्रैम्प्स इनकी जो क्या मैनेजमेंट मुल्तान सुल्तान सी चाहिए कि इनको डिहाइड्रेट करके रखे बैटिंग से पहले कि डिहाइड्रेटेड रहे, फिर इनको अंदर भेजा जाए ताकि इनको क्रैम्प्स जो है वो पड़ जाए। डेविड मिलान एंड रीसा हेंड्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल बोथ ऑफ देम प्ले टुडे। ऑफ कोर्स डेविड मिलान की हमने बात की कि आज उन्होंने पीएसएल की तारीख की सबसे तेज डिस सेंचुरी जो है वो की है। आई थिंक सिर्फ इस सीजन की होगी, जिस तरीके से वो स्टैट लिखा हुआ है मेरे पास उसमें लिखा हुआ है बड़े मिस इन्फॉर्मेशन दे देने जी, ये भी बिल्कुल सही है। सो दिस सीजन मजर इफ यू कुड जस्ट करेक्ट दैट फॉर अस वुड रियली अप्रिशिएट इट। इज इट दिस सीजन और इज इट ओवरऑल सीजन? पेपर पे आया वो इन दिस सीजन। दिस सीजन, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट अ ग्रेट इनिंग्स, इधर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं जेंटलमैन, द फ्लोर इज ओपन टू कमेंट ऑन हिज बैटिंग। देखिए मिलान को हम सब जानते हैं कि इज़ अ वंडरफुल प्लेयर ऑफ फास्ट बॉलिंग, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा कामयाब बैट्समैन रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से। कुछ बॉल अच्छे पड़े सीज़न के स्टार्ट में, इनको वर्कआउट किया बॉलर्स ने। लेकिन जो अच्छी चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की कि मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने उनका रोल चेंज किया विद द राइट टैक्टिक्स के हम उसकी जगह पे इमर्जिंग को भेज दें और इनको लेग स्पिनर की जो अटैकिंग जोन को रखने के लिए एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्पोजिट कम्बिनेशन बनाने के लिए इनको नीचे लेके आए। और जो उनका रिस्पांस था उन्होंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया और अपनी जो अटैकिंग जोन है वो तो उसी में खेले। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी अच्छे प्लेयर के लिए कि उसको एक नंबर ऊपर दो नंबर नीचे करने से कोई फर्क नहीं। मैं यही कहने लगा था कि इनको तो मिडिल ऑर्डर में आके कोई फर्क नहीं महसूस हुआ कि फील्डर दो बाहर हैं और जो कंप्लीट प्रोडक्ट होते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, खेले हुए और दूसरे एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल में उन्हीं की वजह से ये मैच जहाँ तक गया, वरना बड़ा मुश्किल था। उस टाइम ऑलमोस्ट 12 पे पहुँच रही थी रन रेट जो रिक्वायर्ड है वो, और रीज़ा हेंड्रिक्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई थिंक राइटली वो आए हैं, उन्होंने सेंस किया अच्छा एक साइड की बाउंड्री छोटी है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट अटैक द बॉलिंग बाउंड्रीज, और ये इनिंग ही थी जो उनको एंड तक ले गई। आई थिंक एक वाइटल कैच भी उनका छोटा जो कि एक बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता था जलमी को, बट आई थिंक इन्होंने कैश किया उसको। और इनकी विकेट वहां पे अगर ये आउट ना होते तो शायद ये मैच एक आधा ओवर पहले खत्म। ये बिल्कुल ऐसी है, एब्सोल्युटली। मगर ल्यूक वुड की बॉलिंग जो है वो 200 बहुत ही जबरदस्त रही है, और आज उनकी जो फिगर्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्फ। 13 रन दिए उन्होंने 4 ओवरों में, 3.25 का इकोनॉमी रेट एंड पिकिंग अप दोस 2 विकेट्स। और आप 19वें ओवर की मिसबा अक्सर बात करते हैं, 19th ओवर बड़ा क्रिटिकल होता है, 19th ओवर बड़ा क्रिटिकल होता है, आज बड़ा क्रिटिकल ओवर उन्होंने कराया। ये पहले जो पहले 3 ओवर इन्होंने पावर प्ले में किए, जिस एरिया पे हिट किया दैट वाज स्पेशल टू वॉच, कि एक अच्छे एरिया में बॉल करके उन्होंने अपने रन्स लीक नहीं किए। वो जो स्टार्ट जलमी की बॉलिंग को चाहिए था कि इनको ज्यादा रन्स ना मिले वो लिया, मेन विकेट आउट की इसकी रिजवान की जी। तो ये सारी वो चीज़ें उनके लिए काम किया। और जब आपका अच्छा दिन होता है तो आप देखें कि अब उनकी पहली अगर आप देखें पहले 3 ओवर तो वो भी अच्छे बिल्कुल, और फिर जो 19th ओवर जो बेसिकली क्रूशल ओवर ऑफ द गेम था जिसने मैच को आर या पार करना था, वहां पे जो ओवर उन्होंने किया बहुत शानदार, एक रन दिया उन्होंने, दैट वाज जस्ट अ वेरी स्पेशल ओवर। ये 2 रन दिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे, लुक एट दिस, अंडरस्टैंडिंग देखिए, उनको पता था कि ये टेल एंडर है, मैंने इसको मुंह में ये बैट के पास बॉलिंग नहीं करनी, लेंथ मार के उसके बैट का और जो जो बैट बैट और बॉल के दरमियान जो गैप है वो ज्यादा रखा, लेंथ पे बॉल किया तो वो टच भी नहीं कर सका। ओवरऑल इस साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। लुक वुड इन टी20s दिस ईयर 37.2 ओवर्स, 13 विकेटें और 7.76 की इकोनॉमी। दैट्स ग्रेट। समटाइम्स ये आपका जब टाइम चल रहा होता है अच्छी बॉलिंग आप कर रहे होते हैं और कॉन्फिडेंस ऐसा होता है उसको आप कंटिन्यू करते हैं और टीम को भी फायदा होता है। देखें एरिया हिट करने का सबसे एडवांटेज क्या है, 14 डॉट बॉल लुक वुड ने किए हैं, 13 डॉट बॉल डेविड विली ने किए हैं, 10 डॉट बॉल मोहम्मद अली ने किए हैं। देवर पिक ऑफ द बॉलर्स टुडे, सबके इकोनॉमी रेट्स डाउन है, फिर उनको बाउंड्री पड़ भी जाए ना 2-3 तो बुरा नहीं लगता, मैक्सिमम दे गो टू रन अ बॉल और यू नो जस्ट ओवर रन अ बॉल। ऑलराइट फोक्स, विद दैट वी आर गोना टेक अनदर ब्रेक राइट हियर इन द पवेलियन, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर ऑन द अदर साइड, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HPL PSL सीजन 9। मुल्तान से खबर यह है कि मुल्तान सुल्तान अपना मैच पेशावर जलमी के खिलाफ हार गए हैं और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जरा आप बात ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ चीज़ पहलुओं पे कर रहे थे, अब्बास आफरीदी की बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आज उनकी जो परफॉर्मेंस थी मिसबा, उधर लग रहा था कि कुछ इशूज आ रहे हैं उनको, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कलर रहे हैं, आई थिंक हर मैच में उनकी विकेट्स होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने मुल्तान सुल्तान की, ये स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्ट में इस किस्म का बॉल फाइन लेग ऊपर है, बाउंड्री बॉल्स मुझे लगता है काफ़ी हुए उनसे, इवन एंड पे भी जब ओवर किया है तो विकेटें गिरी हुई थी उस वक्त भी रन लीक हुए इनसे, और ज़्यादातर ऐसे बॉल हुए हैं कि जो ऑफलाइन थे जहाँ पे फील्ड नहीं थी, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ है मुल्तान को। मुझे लगता है कि जैसे आखिरी ओवर इन्होंने किया है और उसमें कुछ 15 या 16 रन्स हुए हैं, अभी शाहनवाज धानी का ओवर था, आई डोंट नो कि वो क्यों, हालांकि धानी ने 26 रन दिए हुए थे 3 ओवरों में, इनको प्रेफर किया वहाँ पे रिजवान ने, जो कि मुझे लगता है कि शायद धानी को करना चाहिए था। प्रीवियस गेम में मेन प्लेयर खड़े थे लाहौर के और धानी ने एक अच्छा ओवर किया था उस टाइम पे, और आज भी 26 रन 3 ओवरों में पेस है, और जब टेल एंडर खेल रहे होते हैं उस टाइम पे तो इतना आसान नहीं होता ऐसी पेस वाले बॉलर को खेलना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आज जो है ये 4 ओवरों में 48 रन, ये काफ़ी हर्ट किया इन्होंने मुल्तान की टीम को। ये शानवाज धानी रिदम में लग रहा है कि रिदम में आहिस्ता आहिस्ता रिदम में वापस आ रहे हैं, काफ़ी डिटर्मिनेंट लग रहे थे और बड़ी विकेट उन्होंने हासिल की। लेकिन अब्बास आफरीदी की बिल्कुल सही बात कर रहे थे मिसो भाई, और ये पिछले मैच में भी हमें नज़र आया, आखिरी ओवर में अक्सर वो रिकवर कर जाते हैं क्योंकि बैट्समैन सिर्फ हिट मार रहे होते हैं, और इनको इकोनॉमी रेट को भी थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा क्योंकि हर दिन आपको विकटें नहीं मिलेंगी, एंड पे एंड वाला ओवर आप अच्छा नहीं करेंगे। बहरहाल धानी का अच्छे साइंस से आज के धानी वॉज लुकिंग मच मोर लाइक हिमसेल्फ, और डिटर्मेंट थे क्योंकि उन्हें भी था कि थोड़े से हर्ट थे कि पहले दो मैचों में उनसे इतनी अच्छी बॉलिंग, 12 बॉलों पे लुक वुड जो 17 रन करके गए एंड पे, उनको ऐसे बॉल मिले हैं कि मिड ऑफ अप पे और मुंह में बॉल किया वहाँ पे 6 रन, एक्सप्लोर वन आगे हो गया, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही डिफरेंस एंड पे मैच में साबित हुआ और एक क्लोज गेम जो है वो निकल गई इनके हाथ से, हाथ से निकल गई। जरा बैटिंग पे आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान की, जब इफ्तिखार आए थे उधर भी यू नो था, आई डोंट अंडरस्टैंड हफीज मिसबा, यू गाइस टेल मी, इफ्तिखार इज द गाय, ही इज द फिनिशर, ही इज द बिग हिटर, उनको स्ट्राइक पे क्यों नहीं आ रहे थे, और फिर वो खुद भी उन्होंने एक दफ़ा वो पहली बॉल पे सिंगल लेके दूसरे एंड पे चले गए थे, व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर? बिल्कुल वो चीख रहा गेम अवेयरनेस, दो सिंगल लेके वो दो दफा अपने आप को स्ट्राइक ओके गो के अब्बास कैन हिट बट स्टिल आई मीन आपका एक मेन हिटर जिसने पिछले मैच में वो 11 गेंदों पे 34 करके मैच जिताया हुआ है और वो उधर खड़ा हुआ, आप चांस ले रहे हैं दूसरी तरफ से और उसको सामने ही नहीं आने दे रहे, आप वो एक गेंद खेला हुआ और आप खेली जा रहे हैं उस तरफ से, और एक शॉट जब उन्होंने मारा है मिड ऑफ के ऊपर से अब्बास ने तो ऑलमोस्ट चीख रहा था उस टाइम इफ्तिखार, शायद वो यही कह रहा होगा भाई मुझे स्ट्राइक दो, तुम क्यों मतलब तुम हर बॉल के चला ही जा रहे हो। और एंड पे देखेंगे जब वो आउट भी हुए, अब्बास ने अच्छी इनिंग खेली, एक अच्छी केमियो खेली, लेकिन कई दफ़ा आपको देखना ये होता है कि भाई आपका जो मेन ज़्यादा जिसकी स्ट्राइक यानी स्ट्राइकिंग पावर है उसको हमने सामने लाना है जो ज़्यादा उसको, एंड देन आई थिंक जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं आई कि चौथे बॉल पे क्यों सिंगल लिया है उसने, जब वो सामने था इफ्तिखार, ही शुड हैव प्लेड अनदर बॉल राइट, मे बी लास्ट बॉल पे वो जो दो बॉल गए हैं उनका भी जो है आखिरी ओवर में बिल्कुल ही 22 स्कोर बच गया, तो वो भी डिफरेंस एक हो सकता था एंड पे। हफीज ग्रेट टू सी उसामा मीर आते साथ ही उन्होंने कॉन्टैक्ट किया दो दफा बॉल के साथ क्लियरिंग द रोप, हाँ बिग सिक्सेस जी, वो एंड में हिटिंग पावर उनकी है, ही कैन हिट द बॉल हार्ड, बॉल वॉज इन हिज एरिया, और वहाँ पर जो उनकी दोनों शॉट थी वो इम्पैक्ट वाली थी क्योंकि वहाँ पर ये जो दो सिक्स इन्होंने मारे हैं, ये दो छक्के जो थे ये मैच को बदल गए थे, और तीसरा भी मुझे लगता है कि बॉल वॉज देयर टू हिट, ही कुडंट मिडल इट वेल मे बी, या मे बी वो लंबी बाउंड्री की तरफ खेले हैं तो वो वहाँ पे आउट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस पूरे मैच को देखें तो ये जो कैच है
ये भी बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया इस कैच ने, क्योंकि अगर ये कैच अल्लाह ना करे पाकिस्तानी फील्डर होता फिर तो क्या सी? फिर तो छक्का सी, लेकिन अगर इस कैच ने ये जो कैच पकड़ा गया और अगर ये छह हो जाता तो बहुत डिफरेंट हमेशा भी। आपने देखा मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है, टीम ओनर है अली तरीन, उन्होंने भी इशारा किया कैमरे की तरफ कि ये छह था एंड दिस शुड हैव बीन गिवन अ सिक्स एंड आई थिंक ही वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगर हम ये दिखा सकें आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, दैट वाज अ वेरी, ये तो बाउंड्री है, ये तो बाउंड्रीज है, ये तो वेलू है जी, ये सामा मीर का अभी हम दूसरे कैच की बात कर रहे थे, मलान का था जो डेविड विली का, डेविड विली का जो कैच था, क्योंकि उन्होंने भी वो तकरीबन छह मार दिया था उसकी हम बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने बाहर से लिया था, ये तो सामा मीर का कैच था, ये तो उनके, ये भी बात की बात सही थी हफीज, वैसे कि अगर थोड़ी सी और टाइम हो जाती तो ये या लेकिन बहुत ही शानदार कैच, ऐसे कैचेस अब आपको मोस्टली आपको लीग्स में इंटरनेशनल में लोग करते हुए नजर आते हैं और ये मैच बदल देते हैं। आप देखें कि एक गुड एफर्ट ने जिस तरीके से पहले यहाँ पे कंट्रोल करके कैच को पकड़ना, फिर वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने कितना लूप देना बॉल को और कैसे वापस आना, यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा चेक किया गया, लेकिन आई पर्सनली फेल्ट लाइक इट वाज अ वेरी राइट डिसीजन कि बॉल जब उन्होंने दोबारा पकड़ा तो उनका जो पिछला उठ गया था। एक और चीज भी अगर आपने सुना, थर्ड एम्पायर ने बल्कि टीवी पे ब्रॉडकास्ट के दौरान हमने सुना भी, उसने कहा द बेनिफिट ऑफ द डाउट विल गो टू द फील्डिंग साइड। ये बिल्कुल इसमें चेंज हो जाता है, नॉर्मली हम सुनते हैं कि बैट्समैन को मिलता है, लेकिन जब फील्डिंग का डिसीजन आता है ना, बाउंड्री हो या कैच हो, तो जब डाउट आ जाता है तो देन यू हैव टू ट्रस्ट द फील्डर और द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द फील्डिंग टीम। और आई थिंक हम ग्रीन रूम में भी बैठे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये कैच दे दिया जाएगा, क्योंकि डाउट इतना आ गया कि वहाँ पर ये, क्योंकि तुम लोगों ने तो भाई हमने तो आज पॉइंट लड़ा सी इसी मेरे से पूछोगे थे आगे रुकी सारी चीजें, नथिंग एल्स मैटर्स राइट, इट कम्स डाउन टू द लीडर मोड। बिल्कुल ठीक है, यू नो एवरीवन फील्स दैट, सबके पास अपना राइट होता है अपनी ओपिनियन रखने का, और यू नो मुल्तान भी फील कर रहे हो कि हार्ड डन बाय इट, लेकिन एक रेगुलेशन सबके लिए इवन होता है कि जब डाउट आ जाता है तो अंपायर का होता है कि फिर अब फील्डिंग साइड को देना है। एफर्ट पे भी मेरे ख्याल में एफर्ट पे भी मैं कहा दो पॉइंट वो भी मिलने चाहिए थे, बिल्कुल मिलने चाहिए थे। आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक वो। और इसके साथ ही दोस्तों हम लेते हैं एक वक्फे के बाद आएंगे तो कुछ पैकेजेस हैं और उसके बाद फिर आपका हमारा फेवरेट सेगमेंट #AskThePavilion, ये अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा #AskThePavilion। आप अपने सवाल जो है वो एक्स के थ्रू, यानी फॉर्मली नोन एज ट्विटर के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मुझे या इनमें से किसी को भी टैग करके #AskThePavilion के साथ भेज सकते हैं एंड वी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस राइट हियर ऑन लाइव टेलीविजन। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग एयर स्पोर्ट्स। Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr Alam. You're watching Sports. Our continued coverage of HPL PSL Season 9. With me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, Mohammed Hafeez and Misbah-ul Haq. And from a few days ago, Multan, the news is that Multan Sultan has lost his match against Peshawar Zulmi. Peshawar Zulmi's first victory after 6 games. A big gap, but congratulations to the Yellow Storm. And let's start off with your questions in #AskThePavilion. Pehla sawal, Abdul Hadi. Abdul Hadi, your ex-handle is Abdul Hadi Mosi 8. What about Shoaib Malik for T20 World Cup? He's experienced, has also played CPL over the years, and a performer too, can be a perfect middle order batsman. Ask the Pavilion, this is for all of you. Gentlemen, comment, all of you. This question is for all of you. लगता है कोई भी इसका जवाब नहीं देना चाहता यार, ये कोई बड़ी अजीब सी बात है। हर किसी की अपनी ओपिनियन, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। शोएब भाई की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये मेरा अपनी ओपिनियन है, इसको इसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप खेल ही नहीं सकते, बट इट माई ओपिनियन वी हैव टू कीप मूविंग ऑन टू। All right, fair enough. We have to keep moving on. Atiq Khoso, आपका एक्स हैंडल है A verified आपका अकाउंट है। My question is for Mohammed Hafeez and Misbah-ul Haq. What do you think if a batter comes out to bat as an opener and plays till the 15th, 16th over chasing a high total with a strike rate of 150, 160, should he be criticized for not being able to finish the match? That's a very, very interesting question. बात 150 या 160 या 120 के स्ट्राइक रेट पे खेलने की नहीं होती,
आप जिस तरह भी जो भी सिचुएशन मिली है, हो सकता है आपको 80 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल के मैच जितवाना हो, और हो सकता है आपको आपका सम टाइम 200 का स्ट्राइक रेट भी है वो उस वक्त की ज़रूरत ना हो, आपको 250 के स्ट्राइक रेट से खेलना हो। तो जो स्ट्राइक रेट है दैट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक इट्स नथिंग टू डू विद के स्लो और तेज़, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल द सिचुएशन और कैसे आप मैच जीतने के लिए आपका जो इंटेंट है या आपका जितना देर भी आप वहाँ पे गुजारते हैं वो जीतने की इंटेंट के साथ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो उसमें समटाइम आप देखेंगे कि बहुत से ग्राफ्टी किस्म की इनिंग्स खेली जाती हैं, जैसे कल के मैच के अंदर रैली रोसो को मैन ऑफ द मैच क्यों दिया गया, उनके 38 बॉल्स पे 34 रन थे, लेस देन 100, लेकिन वो जो होल्डिंग द इनिंग था वो उससे मैच जीते जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर एक 160 या 150 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा है और रिक्वायरमेंट भी यही है आगे, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के इतना स्ट्राइक रेट से स्कोर करे। ही हैज़ टू टेक चांसेस, और अगर वो वहाँ पे आउट होता तो अकेला तो नहीं खेल रहा ना, उसके बाद आप सिर्फ उसी को तो नहीं ब्लेम कर सकते, बाद वालों ने जाहिर है कंटिन्यू करना, उसको फिनिश करना। ऐसे ही है। अली सिद आपका सवाल है, आपका एक्स हैंडल है जनाबे अली, जनाबे अली एक्चुअली। अली सिद आपका सवाल, आसिफ पिवलियन ने बिग थ्री प्लेज द मोस्ट टेस्ट्स इन अ ईयर मोस्टली अमंगस्ट देमसेल्व्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ द टीम्स प्ले 5 to 6 टेस्ट्स अ ईयर। Why would any player want to play only test cricket like Yasir for example, Yasir jo hamare bowler the leg spinner, when you can get more popularity accolades and money playing T20s? देखें ये बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर मैंने आप एक सुजेशन दी थी और मेरी यही रहेगी हमेशा कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की जो टेस्ट क्रिकेट है वो डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लीग्स। जैसे ICC इंटरनेशनल लीग्स को NOC दे रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ द गेम विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, विद द सेम टाइम टेस्ट क्रिकेट को लुक आफ्टर करने के लिए और इसको मजीद इनक्रेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड मैच फी पूरी दुनिया के प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। गुड आइडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मैच फी इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया के जो दूसरे जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपने प्लेयर्स को उसका 30 गुना लाइक वो जो उनका है वो 30% भी नहीं देते। राइट, तो आप सोचें कि ये एक ऐसा सिनेरियो जिसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है ICC की तरफ से भी, और क्रिकेट बोर्ड्स को भी ये चाहिए कि वो रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटी के ऊपर लेके आएँ और अपनी रेड बॉल की जो टेस्ट क्रिकेट की जो मैच फी है या उनके इंसेंटिव है या जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो रेड बॉल की प्रायोरिटी के ऊपर देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उसमें एक चीज़ और भी, सिर्फ मैच फीस की बात नहीं, नंबर ऑफ मैचेस भी डिसाइड करने चाहिए, सबको बराबर मिलने चाहिए, नेशन वो इतने मैच खेलेंगे। वेरी ट्रू। जवाद तोखई आपका एक्स हैंडल है जवाद_तोखई, आपका सवाल है विल लैक ऑफ बैटिंग स्पेशली द लोअर मिडिल ऑर्डर cost team Quetta at a later stage of this PSL 2024 edition? It could be. Yeah. That was my concern in the last game they played. और इसीलिए शायद मैंने चाहते हुए भी मैंने दूसरी टीम की तरफ गया था। They managed to win, लेकिन इनकी 6, 7, 8, 9, 10, 11 is a big question mark. Whenever they will post a total या इनको chase करना पड़ेगा तो मुश्किल हो सकती है। I think हो सकता है, और अगर ये इनके पास एक ऑप्शन है, अगर सोहेल खान को ये इंडक्ट करते हैं इनकी बॉलिंग भी थोड़ी और एक्सपीरियंस्ड हो जाएगी और वो थोड़ा सा बैटिंग कर लेते हैं। यू वोंट फाइंड बैट्समैन देयर, बट कोई बॉलर ऐसे होने चाहिए तो थोड़ा सा 15-20-25 रन की इनिंग खेल सकते हो। ऑलराइट, अरफा फिरोज जेक आपका वेरीफाइड अकाउंट है और आपका एक्स हैंडल है अरफा सेज _ हमारे से सवाल किया, द क्वेश्चन इज फॉर द एंटायर पैनल, हाउ मच दे रेट यूसेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन क्रिकेट, आरंट स्टैट्स इल्यूजन्स बिकॉज क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट इन द वर्ल्ड वेयर प्लेयर्स प्ले अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड स्टैट्स नेवर जस्टिफाई कंडीशंस। वेरी वेल आस्क्ड, वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टैट्स आर द ओनली इन्फॉर्मेशन, दे गिव यू इन्फॉर्मेशन बट दे आर नॉट एवरीथिंग। तो बहुत ज़्यादा स्टैट्स जो हैं वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, वो आपको मिसलीड भी करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टैट्स पे नहीं खेला जाता ये खेल, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर खेला जाता है। तो इसलिए जो भी सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द गेम है उसके ऊपर खेला जाए, तो इट्स अ वेरी वैलिड एंड वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो पहले भी बात हुई थी सेकेंड करते हैं, मेरा अगर ऑब्जर्वेशन है किसी प्लेयर के बारे में और मैं कुछ देखा है मैंने कि सर्टन बॉलिंग के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करता है एंड देन आई गो टू द स्टैट्स ऑल्सो और वहाँ मुझे नज़र आते, क्योंकि मैंने देखा हुआ है डिफरेंट कंडीशंस में, तो मैं उन दोनों को कंपैरिजन करूँगा, एनालाइज करूँगा और फिर मैं उसको अगर यूज़ करूँगा तो देन इट विल बी फ्रूटफुल। अदरवाइज़ अब स्पिन पिच पे अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट कोई बैट्समैन स्ट्रगल किया उसने
और फ्लैट पिच पे वो उसके सामने आ गए और वो उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसने वहाँ पे रन्स कर दिए तो आपके सारे स्टैट जो है वो रह जाएंगे, बिल्कुल तितर बितर हो जाएंगे। अरफा फिरोज जैक जो है वो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, स्पोर्ट्स के ऊपर खासतौर पर क्रिकेट के ऊपर जो करते हैं। थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अरफा, वी रियली अप्रिशिएट इट। और दोस्तों इसके साथ ही हैशटैग आज द पवेलियन का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आइए नजर डालते हैं हमारे लीडर बोर्ड के ऊपर फॉर द एक्सपर्ट प्रेडिक्शन। सूरत हाल इस तरीके से है कि मिसबाह उल हक लीड कर रहे हैं जनाब 5-6 points के साथ, राइट ऑन टॉप। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हमें बहुत सी तहकीकात करनी पड़ेगी हफीज एंड अजहर। बट मिसबाह उल हक इज लीडिंग एट 6, अजहर अली ट्रेलिंग एट 5, वसीम अकरम आल्सो विद 5 points, मोहम्मद हफीज यू हैव ट्रूली प्रूवन टू बी अ प्रोफेसर, वो 3 points के साथ है। वो कहते हैं ना आएंगे देयर विल बी अ कमबैक, देयर विल बी अ कमबैक, ये बड़ा जबरदस्त है। और आज क्या जो पॉइंट वसीम अकरम को मिला है दोस्तों मैं बताता चलूं, जी मिल गया सर, नहीं ये तो नहीं हड़ताल होगी, हड़ताल करें आप जो मर्जी करें। आज उनका मैंने प्रेडिक्ट किया था पेशावर जलमी और ये कह रहे थे कि नहीं नहीं मुल्तान सुल्तान करें, मुल्तान का मैसेज था हमारे ग्रुप के ऊपर वो उन्होंने बाद में दिया था 4 ओवर के, उससे पहले मैं टीवी पे अनाउंस कर चुका था कि उनके लिए पेशावर जलमी है और फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा है कि आप फखर बिल्कुल रीजनेबल हैं, आप अब आगे से जितने दिन रह के बाकी आप मेरे बिहाफ पे प्रेडिक्ट करें, तो वही ना उनको आज का पॉइंट मिल गया ना, कहां से मिला, मेरे से ऊपर था, ऊपर नहीं मिला, फिर नहीं दिया, नहीं दिया फिर आज का पॉइंट आप लोगों ने, अन्ना वंडे रियोड़ियां मुरमुर अपने कार्ड। देखिए अगर ये आगे की जिम्मेदारी दोबारा दिखाएं लीडर बोर्ड, आगे की जिम्मेदारी ये दोबारा देखें लीडर बोर्ड एक दफा फिर आया, ये रहा आपका लीडर बोर्ड एक दफा फिर, एंड देयर यू गो, there you go, Wasim Akram is on 5 and so is Azhar Ali, Mohammed Hafeez on 3 and Misbah Ul-Haq on 6. That 6 on Misbah Ul-Haq. Paddy Marzi is on the key, what's happening? No, it's okay, Misbah Ul-Haq doesn't even understand how it's going to be. No, he deserved to be there, he has a lot of people. Today he said Multan Sultan. आज उससे आज ही हारे, इससे पहले तो सारे जीते हैं मिसबाह, ज्यादातर जीत दो आ रहे हैं, बाकी सारे जीते हैं। क्या दूसरे की कामयाबी पे खुश होना सीखो फखर, मैं कभी भी नहीं ऐसा कर सकता। दूसरों के परफॉर्मेंस पे फखर करना सीखो, मैं करता हूँ जब मैं मिसबाह की हर परफॉर्मेंस पे एक्सट्रीमली खाने पे नहीं करनी, खाने की बात करूँ या पूछ रहे हो कहीं रोटियां तो नहीं लिखी, ये एक्चुअली 6 टन के लिए 6 टन कढ़ाई के लिखे हुए 6 पॉइंट जो आए हुए आपके पास, बड़ा मजेदार रोटियां होती तो फिर इनका भी लिख देते फिर थे अनमैच थी ना, अनमैच फिर तो आई एम इन अ लीग ऑफ माय ओन, इट इज द रियल सुपर लीग स्पेशल वन। आज लंच पे नहीं थे, बड़े मजेदार वाकया हुआ है, खाना आया खाना खा रहे हैं तो वो जो खाना लेके आए थे भाई उस्मान भाई हमारे, वो आके मिसबाह भाई को देखा और उन्होंने उनकी शक्ल देखी और उन्होंने बताया कि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा यार मैं थोड़ी रोटियां और ऑर्डर करता। जब आपका फोन आया ना कि मैं नहीं आ रहा, कहते चलो कैंसिल कर देते हैं। हसन अली गल नहीं की, नहीं ठीक है यार, मैं आपने आपने ताड़े ना आन ते कैंसिल हुई हैं, तुसी ऐसे करो मैं नहीं गया खाने ते, मैं देखे मैं कितना अपना जो मैं कितना वो डिसिप्लिन हूं कि मैं खाना ही नहीं खाया, लंच ही नहीं किया मैंने, वो आके उन्होंने रखा कोई 1-10 रोटियों वाला 2-3 बंदे खा रहे थे, दूसरा 10 रोटियों वाला पैक, मैं कह यार की हो गया सानू की समझे, जिन समझे तू उतों 2 चुक के ला जा। All right, boys, let's take a look at what we have tomorrow. We've got a big game here in the HBL PSL 9. Dosto, kal hai mukabla biryani ka palao se, kal hai nihari ka पाए से, ये है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, कल शाम 7 बजे लाहौर गदावी स्टेडियम से आपकी खिदमत में बराए रास्त हम हाजिर होंगे, 5 बजे आप लोगों की खिदमत में, अपनी बिरयानियां और अपने पलाव तैयार रखिएगा क्योंकि मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। वी आर गोइंग टू सी यू बैक हियर इन द पवेलियन 5 PM, यू आर गोइंग टू बी कीप वॉचिंग ए स्पोर्ट्स थ्रू आउट बिकॉज दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट एचडी स्पोर्ट्स चैनल। अब से कुछ देर बाद ला लीगा का बाकायदा आगाज होगा। जेंटलमैन थैंक यू अजहर, थैंक यू फीस, थैंक यू मिसबाह, रोटियां चक्के. And with that, all I can say is, it bit Gulkan. Good night.